वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको हमारे चैनल की डेली अपडेट्स चाहिए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद वहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो उनको चिंता की जरूरत नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन के ऊपर जाइए, तो वहाँ पे ऊपर वो ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर टिक कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम करेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया तो उनको हम डेली PDF दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो वीडियो देख के नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल फ्री में है। अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके जरिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्नर क्या होता है? जो सब कुछ पढ़ सकता है, जो मर्जी बुक पढ़ ली, जो मर्जी पढ़ लिया, कभी बैंक का, कभी SSC का, कभी UGC का, कभी किसी कोर्स का, वो होता है लर्नर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच विच एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट अप्रोच है वो लर्नर करेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है। यानी कि सीधी सी बात है, जो लर्नर करेक्टरिस्टिक्स की पहली विशेषता क्या है कि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल स्टूडेंट मे बी बेटर सूटेड इन ए पर्टिकुलर वे यूजिंग डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग रिलेटेड एंड क्रिएटिंग। देखिए कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है ना, वो अच्छा बेहतर कर सकता है। यानी कि जो एक लर्नर है या एक जो स्टूडेंट है, वो अगर अकेले अपने दम पर या अकेले अपने आप कुछ पढ़ेगा, उसमें जो वो अब जो उसकी थिंकिंग होगी वो क्रिएटिव होगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने तरफ से बढ़िया से नोट्स खुद से बनाओगे, है ना। तो यानी कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है, अगर वो किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो वो अच्छे से उसको करेगा, अपने हिसाब से करेगा। द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट हैव पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल एज इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग स्ट्रेटजी। यानी कि स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, देखिए जो टीचिंग के द्वारा पढ़ाया जाता है स्टूडेंट उसको अपने हिसाब से पढ़ता है, ठीक है। इनकी स्टूडेंट क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, लर्निंग स्टाइल को समझता है, ठीक है। यानी कि जो टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, स्टूडेंट उसको अच्छे से समझता है, उस स्टाइल को फॉलो करता है। देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, इसके काफ़ी वेरियस फॉर्म्स हैं। देखिए, पहला है पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा सोशल करेक्टरिस्टिक्स, तीसरा एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, चौथा कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। अभी हम इनको देखिए, ये चार तरह की टाइप है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, कॉग्निटिव, ठीक है। लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब इसको हम थोड़ा सा आगे और डिफाइन करते हैं। देखिए, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ऑफ्टन रिलेटेड टू डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो लर्नर है उसका ये डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बताती हैं। जैसे कि देखिए, पर्सनल करेक्टरिस्टिक में आता क्या है, देखिए इसमें एज आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट की, मतलब कि लर्नर की क्या एज है, वो अपने एज के हिसाब से कैसे कैसे किस चीज़ को पढ़ रहा है, जेंडर, ठीक है, जेंडर में मतलब कि वो लड़का है लड़की है वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। अब देखिए कि लर्नर का करेक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी बात है कि मेजोरिटी लेवल, यानी कि वो किस हिसाब से पढ़ रहा है, किस चीज़ को कैसे समझ रहा है, वो था मेजोरिटी लेवल। लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, यानी कि वो पंजाब से है, राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से है, तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी इफेक्ट करता है। स्किल्स, सबसे बड़ी बात है, स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को अच्छे से समझ लिया, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं एक बार को अच्छे से समझ लिया बस उस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो स्किल्स क्या होता है कि एक बार अच्छे से चीज़ को समझ लेना, उसमें होता है तरह तरह के स्किल्स जो है स्टूडेंट में होते हैं, लर्नर में होते हैं, ये स्किल्स आते हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आ गया सोशल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें क्या होगा, लेटर टू द ग्रुप
टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप, यहाँ लेटर नहीं लर्न आएगा, लर्न टू द ग्रुप टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। देखिए चाहे ग्रुप में पढ़े, देखिए सिंपल से बात, सोशल करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होगा कि एक जो लर्नर है वो समाज में रह रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो समाज में अपने आसपास रह रहा है, होता है ना ग्रुप, जैसे अपने दोस्तों से मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, जहाँ पर रह रहा है लोगों के साथ रह रहा है, वो लोगों से सीख रहा है, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों से सीख रहा है, वो आसपास का क्या हो गया, ग्रुप हो गया ना, वो चाहे उसके रिश्तेदार हो गए चाहे उसके फ्रेंड्स हो गए, वो ग्रुप हो गया, उसमें से वो क्या चीज़ सीख रहा है, वो हो गया उसका इंडिविजुअल। तो सोशल करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, मोटिवेशन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका ग्रुप या उसके फैमिली मेम्बर कोई भी है, अगर उसका सोशल जो ग्रुप है उसको मोटिवेट कर रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है, मोटिवेशन ज़रूरी है। एटीट्यूड्स भी उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स में उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड से पता चल जाता है कि इसका रहन सहन, इसका सोशल एक्टिविटी कैसी है, सोशलेबिलिटी, ठीक है, समाजीकरण कैसा है उसका, है ना, समाज में उठना बैठना, दोस्त कैसे हैं, उसको सही गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं। सेल्फ इमेज, वो अपनी खुद की कैसी इमेज बना रहा है, बनाना चाहता है ना, कुछ होता है ना कि सेल्फ इमेज, जैसे आप ये देखिए कि वो एक सोशल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जैसे समाज में रह रहा है, आसपास के उसके पूरे वातावरण या पूरे घर में उसके या रिश्तेदारों में बड़े बड़े IAS अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े टीचर बने हुए हैं, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, उसमें क्या होगा, एक सेल्फ इमेज आएगी कि मैं भी इनके जैसा बनूँ या मैं भी अच्छा कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। वो क्या करता है, अपनी सेल्फ इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, सोशल में, तो होता है उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ गया एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, लर्निंग रिलेटेड सच एज, देखिए एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, लर्निंग गोल्स, यानी कि एकेडमिक में आएगा सबसे पहले, जैसे वो पढ़ने जाता है कहीं पे एडमिशन ले लिया, कहीं पे कोचिंग ले लिया, वहाँ पे आता है लर्निंग गोल्स कि वो चीज़ पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है। जैसे आप अभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हो ना, आपका गोल, लर्निंग गोल क्या है आपका, लर्निंग पढ़ने का मतलब क्या है, आपका लक्ष्य क्या है पढ़ने का, क्या आप कहीं पे टीचर लगो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, ये आपका लर्निंग गोल हो गया। प्रायर नॉलेज, आपको पहले कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, है ना, ये तो है नहीं कि आपने बस फॉर्म भरा पढ़ा कुछ नहीं, सीधे चल के पता नहीं चला है क्या कुछ भी नहीं, तो प्रायर नॉलेज आपको सब्जेक्ट की थोड़ी पहले नॉलेज होनी चाहिए, पेपर की थोड़ी नॉलेज होती है। एजुकेशनल टाइप एंड लेवल, यानी कि एजुकेशनल टाइप्स कैसी है, लेवल कैसा है, लेवल होता है कि जो आप चीज़ पढ़ने जा रहे हो उसका लेवल क्या है, हाई है, लो है, क्या है, आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेगा, वो होता है एजुकेशन लेवल में। एजुकेशनल टाइप क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो आगे जाके, ना क्या बनोगे, वो होता है एजुकेशनल टाइप, ये किस टाइप की है, क्योंकि इसके बाद आप टीचर बनोगे, है ना, अगर आपको बैंक में बैंकिंग जॉब करना है, आपको बैंक में जाना, बैंकिंग के लिए आपको बैंकिंग पेपर भरने पड़ेंगे, तो एजुकेशन टाइप हो गया ना। अगर आपको टीचर बनना है तो आप UGC नेट भरो, बैंक में जाना है तो आप बैंकिंग का पेपर भरो, ऑफिसर बनना है तो आप IAS PCS करो, है ना, वो होता है एजुकेशन टाइप। लेवल होता है वो उसका स्तर कितना है कि कितना पढ़ना पड़ेगा। कोग्नेटिव करैक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स। देखिए कोग्नेटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान से संबंधित, यानी कि दिमागी। देखिए इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि लर्नर कैसे की चीज़ को परसीव कर रहा है, कैसे उसको याद रख रहा है, कैसे उसको सोच रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन हिज और हर ब्रेन, यानी कि अपने दिमाग में वो किसी को कैसे याद रख रहा है, कैसे सोच रहा है, तो होता है किसमें आता है वो कोग्नेटिव करैक्टरिस्टिक्स में। अब इसमें देखिए 3-4 पार्ट है। मेमोरी, कोग्नेटिव में सबसे पहले बात है मेमोरी आएगी, आपकी मेमोरी कैसी है, आपको चीज़ें याद रह पाती है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ बचपन में पढ़ी होती है हमें आज तक याद रहती है, कोई चीज़ यादें होती है हमने जो कल पढ़ी हमको अगले दिन भूल जाती है, तो मेमोरी बेस हो गया ना। मेंटल प्रोसीजर, आपका मेंटल प्रोसीजर लर्नर का कैसा होता है, यानी कि जो एक लर्नर है उसका मेंटल प्रोसीजर कैसा है, वो किस चीज़ को कितनी जल्दी से कर पा रहा है या कोई समझ आ रहा है कि नहीं। इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है, ये भी दिमाग में, वो कि दिमाग में कैसे चीज़ को रख पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है। अटेंशन, सबसे बड़ी बात है कि वो किसी चीज़ को कैसे कर रहा है। आप देखिए कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जैसे आपने कोई लेक्चर किसी का टीचर का सुना, अगर आप अटेंशन हो के बिल्कुल अच्छे से हो के इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आएगी। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनने के लिए बाहर देखते रहते हैं कि अपने काम में बिजी होते हैं, तो उनके क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है कि लर्नर करैक्टरिस्टिक्स में जो
कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें जो अटेंशन पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेरा लेक्चर जो देख रहे हो, अगर आप इसको अच्छे से अटेंशन होके देखोगे तो आपको चीज़ जल्दी समझ आएगी। जैसे नहीं देखोगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो हो गया अटेंशन, आप कितना ध्यान दे रहे हो। तो देखिए कि ये तो हो गए लर्नर के चार करेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैंने मेन बता दिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको लर्नर करेक्टरिस्टिक्स पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। सम अदर इम्पोर्टेंट लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, कुछ अदर इम्पोर्टेंट लर्नर करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो क्या है। देखिए पहली बात होती है कि सेल्फ मोटिवेशन। अब देखिए लर्नर करेक्टरिस्टिक्स में सबसे अलग जो एक बात आती है वो होते हैं सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, है ना। सेल्फ मोटिवेशन कैसे, जैसे आप देखो कि जो जिसने नेट किसने क्लियर कर लिया, किसने नहीं, आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, आगे आके जाके कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट चांस में कर लेंगे। तो उसमें क्या है, अपने आप को मोटिवेट कर दे रहो। क्यूरियोसिटी, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने की, है ना। आप में क्यूरियोसिटी नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है यूजीसी नेट करने के लिए, आप में क्यूरियोसिटी लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्नर में जी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वो समझना चाहता है उसके लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हैबिट ऑफ रेडनेस, बिल्कुल सही है, आपको हर चीज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, तो सबसे बड़ी, देखो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि हैबिट ऑफ एक्सरसाइज इसमें आता है वो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे किसी की बार बार तो आप परफेक्शन आ जाएगी आप में, ठीक है। हैबिट ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि अगर जैसे आपको कोई चीज़, जैसे मान के चलिए मैंने अभी तक कितने लेक्चर डाल दिए, तो आप क्या करो कि आप ये देखो कि जो आपको करवाया है आपके कितना समझ में आया भी कि नहीं, है ना। तो वो आपकी चीज़ कैसे आएगी, ये नहीं कि एक बार पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। बार बार कैसे, एक चीज़ पढ़ी अगले दिन दूसरी चीज़ पढ़ी, आप जैसे चीज़ करते जाओगे साथ साथ पुरानी चीज़ को भी रिपीट करते जाओ। नई चीज़ पढ़ने से पहले पुरानी चीज़ को एक बार, जो आपने पढ़ा हुआ पुराना, जो ओल्ड आपने पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवाइज करो, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, होनी बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी, बिल्कुल सही है, लर्नर में एंगर और जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी हो गया ना, जैसे कि हाँ मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, उसका क्लियर हो गया, उसका क्यों हो गया, जैसे दो दोस्त या दो सहेलियाँ आपस में करते हैं ना ऐसे कि नहीं मेरा पेपर हुआ नहीं, हमने एक साथ पेपर डाला था तो उसका पेपर हो गया, मेरा रह गया। तो जेलसी मत करो, आप देखो कि उसका हो गया अच्छी बात है, आपका भी हो जाएगा, है ना। स्लो बिगनिंग एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए इसका पॉइंट का क्या मतलब है कि स्लो बिगनिंग होती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखिए जब छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है वो पहले नर्सरी जाता है, फिर UKG, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे स्कूल लेवल पार कर लेता है ना, जैसे ऐसे स्कूल लेवल पार करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन लेवल पार करेगा। तो उसमें क्या होता है, वो स्लो बिगनिंग से हो गया ना, यानी कि पहले आपको टीचर ने स्कूल में ABC सिखाया, अब आपकी इतनी वोकैब बढ़िया है, आप इतना अच्छे से कर पा रहे हो, है ना। तो क्या स्लो बिगनिंग हो गया ना, तो बस ग्रेजुअल डेवलपमेंट में होता है कि आप बहुत चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो। आप मान के चलिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप मोटी मोटी किताबें देखते थे, आपको डर लगता था देख के कि इतना मोटा कैसे पढ़ पाएंगे। अभी जब आपको आदत डल गई ग्रेजुएशन लेवल के जाके पर जाके जब आपने पढ़ा, अब आप देखिए कि जो आप पहले स्कूल में पढ़ते थे अब आप उनकी बुक्स उठा के देखो, आप बुक्स बहुत आसान लगेगी। तो वो क्या हो गया, वो स्लो बिगिनिंग होगी ना आपका, मतलब कि माइंड सेट बड़ा हो गया, माइंड सेट आपका यहाँ पे हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो स्लो बिगिनिंग हो गया। सेल्फ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा कि देखिए मान लो बात कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आपने उसका टेस्ट लगाया, अब आपने एक चीज़ पढ़ी आपने उसके टेस्ट लगाया, आपके टेस्ट में नंबर कम आए, आपने खुद से चेक किया उसको, तो आपको खुद से को सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा कि आप किस चीज़ में वीक हो, है ना। जैसे आपने सारी चीज़ पढ़ ली, जैसे मान के चलिए आपने इस बार तैयारी अच्छी से की थी, आपने जब 2018 में पेपर डाला अभी आपका हो नहीं पाया, तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया था कि मेरे कौन से क्वेश्चन छूट गए, कौन से रह गए, तो मैं किसमें ज़्यादा मेहनत करूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात आ गई, देर आर ऑफ्टन डिफरेंस बिटवीन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट लर्नर एंड ग्रुप ऑफ लर्नर सच एज। देखिए कि कहते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसमें, लर्नर का
बाकी लर्नर से। देखिए कहते कैसे कि जैसे एक चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन एंड अडल्ट्स। देखिए कि जो एक लर्नर होता है, जो एक आम लर्नर है, उसकी विशेषताएं, उसके करैक्टरिस्टिक्स अलग होंगे एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन एंड अडल्ट। देखिए कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, स्टूडेंट का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका लेवल अलग होता है, प्रोफेशनल का लेवल अलग है। ठीक है, प्रोफेशनल तो आप देखिए कि जैसे प्रोफेशन में, जैसे कोई टीचिंग प्रोफेशन में, जैसे कहाँ पे भी हो, उसका थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उसका पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, है ना। जो डिसेबल पर्सन है वो भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरह से कर पाएंगे, एडल्ट जो है, जो बड़े हैं, वो अपनी तरह से कर पाएंगे। यानी कि जो एक लर्नर है, जो आम लर्नर है, उसके करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं बाकियों से। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो एक आम लर्नर के मैंने आपको ऊपर करैक्टरिस्टिक बता दिए, बाकी चिल्ड्रन, स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल है, इनके थोड़े से अलग होते हैं इनके, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपना अपना होता है पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि बच्चों को आप इतना बड़ा कुछ भी पढ़ने के लिए दे दो, वो आप इतना पढ़ नहीं पाओगे। वही बात अगर प्रोफेशनल पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ आएगी, तो फ़र्क हो गया ना विशेषता में। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी कि एक आम लर्नर का बाकियों से थोड़ा सा फ़र्क होता है। टुवर्ड्स लर्निंग, देखिए ये कंसेप्शन लर्निंग इज एन अम्ब्रेला टर्म, यह एक छत्र के समान है, यह एक अम्ब्रेला टर्म है जो अकुशल शिक्षा को संदर्भित करता है और शिक्षण की दिशा में, ठीक है, शिक्षण की दिशा में धकेलता है। सिंपल सी बात है कि इनकी कंसेप्शन ऑफ लर्निंग है क्या, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, एक छत्र है, किसके लिए, जो लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए। यानी कि कंसेप्शन लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है टीचिंग, एक आती है लर्निंग। ठीक है, इसमें टीचिंग भी होगी, इसमें लर्निंग भी होगी। किस में होगी है, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में। कंसेप्शन ऑफ लर्निंग लाइक कंसेप्ट कंसेप्शन ऑफ टीचिंग अफेक्ट्स एंड एरेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर विच इंक्लूड्स मोटिवेशन टू स्टडी, अप्रोचेस टू स्टडी, हाउ दे अंडरस्टैंडिंग वट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज एंड नोइंग। देखिए कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है कि जैसे शिक्षण की अवधारणा है ना, मतलब कि कंसेप्शन ऑफ टीचिंग छात्रों के सीखने के लिए व्यवहार को प्रभावित करता है, और जिसमें शामिल है कि अध्ययन के लिए प्रेरणा, अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, वे कैसे समझ पाते हैं, जो ज्ञान और ज्ञान का गठन करता है। सिंपल सी बात है, देखिए शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में क्या होता है, शिक्षण की अवधारणा इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लर्निंग, जैसे जो लर्निंग का बिहेवियर है, सपोज़ कीजिए कि कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर पढ़ा रहा है, इसमें लर्निंग का बिहेवियर है वो इंक्लूड है। ये देखा जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट उसको कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि जो लर्नर है वो कितना उसको सीख पा रहा है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, वो कितना समझ पाते हैं। यानी कि कंसेप्शनल लर्निंग में दो आ गए ना चीज़, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और लर्नर। अब टीचर तो पढ़ा रहा है, तो लर्नर जो है अपनी लर्निंग के द्वारा कितना उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। ऑल ऑफ दीज रिलेट टू क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ये सब कुछ सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कोई वो नहीं है। आप ये देखिए कि सीखने की अवधारणा है क्या, अधिगम की अवधारणा है क्या। इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक तो है टीचर, एक तो है लर्नर। ठीक है, तो टीचर अपनी कंसेप्ट को समझाएगा तो लर्नर कंसेप्ट को समझेगा। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित हैं, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, है ना। टीचर अपनी बात कह पाए, स्टूडेंट उसको समझ पाए, वो सीखने की गुणवत्ता होगी ना। यानी कि टीचर ने जो सिखा दिया, स्टूडेंट को कितना सीखा, वो सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। पहला है क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की मात्रात्मक अवधारणा। देखिए, लर्निंग देयरफॉर इज मेड बाय काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्ट एंड आइटम रिमेंबर्ड। इसमें क्या होता है कि याद किए गए तथ्यों और आइटमों को याद रखने से आसानी होती है। सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, मात्रात्मक, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या है, इसमें फैक्ट याद करने होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में हम सिर्फ फैक्ट को याद रखते हैं। ठीक है, फैक्ट जैसे भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को,
है ना, संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, ये फैक्ट होंगे ना सारे, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसके याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। वो हो गया मात्रात्मक। कॉन्टेंट्स टू बी लर्नड आर आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड आइटम। देखिए, सीखी जाने वाली सामग्री पृथक और असंबंधित हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हम जो सीख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो आपस में पृथक या अलग अलग हो सकते हैं, आपस में जिनका कोई मैच भी नहीं होता। यानी कि हम कुछ ऐसा भी सीख लेते हैं जो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, फिर भी हमें उन्हें याद रखना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सीन एज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी टू वनसेल्फ। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया या अधिगम की जो प्रक्रिया है, को स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जाता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग है क्या, इसमें होता है कि जो हमने नॉलेज है वाकई हमें ट्रांसफ़र होगी कि नहीं। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे हमने क्वांटिटेटिव में याद रखा कोई चीज़, अभी हमने देखना है कि हमें जो क्वांटिटेटिव में पढ़ा है, जैसे ही हमने जो कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में पढ़ा है, क्या वाकई उसमें से जो लर्निंग थी या जिसमें नॉलेज थी वाकई हमें ट्रांसफ़र हो चुकी है कि नहीं, है ना, हस्तांतरित हो चुकी है नहीं, वो देखा जाता है। देखिए, इफ ए स्टूडेंट हु इंडोर्स ए कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, दे विल गेट मेमोराइजेशन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग मटेरियल्स टॉट बाय टीचिंग। यानी कि यदि कोई छात्र जो सीखने की धारणा का समर्थन करता है, तो उन्हें शिक्षण द्वारा सिखाई गई सामग्री को याद रखना और याद रखना होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, कोई मानता है, कोई छात्र मानता है कि जो सीखने की धारणा है वो बढ़िया है, तो उसे क्या करना होगा, जो उसको शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा, यानी कि जो टीचर उसके सिखाएगा, जो भी पढ़ाएगा, उसको याद रखना होगा। यानी कि आपको जैसे लर्नर को लगता है कि हाँ क्वांटिटेटिव मेथड बढ़िया है, तो उसको क्या करना होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको याद रखना पड़ेगा। या सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, तो किसमें आएगा, वो क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में। अब आ गया क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि लर्निंग इज ऑल अबाउट, लर्निंग इज अबाउट मीनिंग मेकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एनकाउंटर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड वे ऑफ इफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। अब देखिए कि सीखने का अर्थ है कि नई जानकारियों का सामना करना, स्वयं की समझ और दुनिया की व्याख्या करना। देखो, पहले हमने क्वांटिटेटिव में क्या किया था, सिर्फ मात्रात्मक यानी कि चीज़ों का फैक्ट याद किया था। अब इसमें आगे क्वालिटी, अभी हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा अपने हिसाब से। पहले हमने पढ़ लिया फैक्ट में कि इस तारीख को ये हुआ था, इस डेट को वो हुआ था। अब क्वालिटी में आ गया कि इस तारीख को जो हुआ था वो कैसे हुआ था, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो आ गई क्वालिटी, क्वालिटी कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। यानी कि जो आपने क्वांटिटेटिव में चीज़ों को याद रखा था, फैक्ट को याद रखा था, अब आप फैक्ट को समझ रहे हो, ठीक है, अपने आसपास जो हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उसको समझ रहे हो। लर्निंग इज़ देयर फॉर व्यू एज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि इसलिए सीखना एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो गुणात्मक जो लर्निंग है इसमें होती है, वो विकासात्मक प्रक्रिया है। आप ये मान के चलिए कि अब तक आपने जो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक या अभी तक जो आप ने सीखा है, तो आप में कितनी वो आप में नॉलेज जो है भर चुकी है। यानी कि इसमें क्या होगा, विकासात्मक हो गया ना, विकास हो गया ना, तो यानी कि आपको नई नई नॉलेज मिलती है, विकास हो गया। जैसे आप रोज की करंट अफेयर करते हो, आप में विकास होता है ना, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। कंटेंट्स टू बी लर्न आर कम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड एंड मे हैव द पोटेंशियल टू रिलेट टू वन सेल्फ। यानी कि सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और अंतर संबंधित है और एक से संबंधित होने की क्षमता हो सकती है। यानी कि इसमें होता है कि जो कंटेंट है वो जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, पर वो एक दूसरे से संबंधित भी हो सकता है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है पढ़ने में, याद रखने में मुश्किल लगती है, समझने में मुश्किल लगती है, तो हमें वो पढ़ना तो होता ही है, पर यह होता है कि वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मीनिंग बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ विद द फैसिलिटेशन ऑफ टीचर्स। यानी कि सीखना शिक्षकों की सुविधा के साथ साथ छात्रों द्वारा निर्माण अर्थ की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है कि लर्निंग है, इसका मतलब क्या है कि जो लर्निंग है वो उसमें टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाते हैं, है ना। शिक्षकों की सुविधा तो हो गई है कि बच्चों को पढ़ाया,
अब बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, इसमें वही प्रोसेस होता है ना। इनकी सिंपल सी बात है, इसमें टीचर जो बच्चों को समझाता है बच्चे उसको अच्छे से समझते हैं। यानी कि सिंपल सी बात आप ये लगा के चलिए, जो गुणात्मक अवधारणा है, जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग है, इसमें जो टीचर जो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे समझते हैं, ठीक है, इसमें ये लर्निंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो आ गया इसमें देखो, इसमें वही आ गया। इफ ए स्टूडेंट इंडोर्स ए क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, इट इज़ लाइकली दैट ही और शी विल एक्टिवली मेक सेंस ऑफ दोस न्यूली टॉट मटेरियल आर रिलेट टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि यदि कोई छात्र सीखने के गुणात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो यह संभावना है कि वह सक्रिय रूप से उन नई सिखाई गई सामग्रियों की समझ बनाएगा और उनके मौजूदा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि देखिए, पहले हमने क्वांटिटी में पढ़ा था ना कि अगर कोई इसका समर्थन करता है क्वांटिटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग का, तो उसमें उसको फैक्ट याद रखने होते हैं। अब क्वालिटेटिव कंसेप्ट को जो इसका जो समर्थन करता है, जो सोचता है कि हाँ क्वालिटी को पढ़ना चाहिए, तो उसको क्या करना होगा कि जो उसने पढ़ा है उसको समझना होगा। यानी कि जो उसने कोई बुक पढ़ी है, जो कोई लेक्चर सुना है, तो उसको जो उसमें से उसने ज्ञान को प्राप्त किया, यानी कि जो नॉलेज उन्हें ली है, उसको उसे समझना पड़ेगा, उसको समझ में अपने लाना पड़ेगा, है ना। क्वांटिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि इसको फैक्ट याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा कि जो उसने लेक्चर को सीखा, समझा है, किसी से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उसको वो ऐसा ही समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग में। देखिए मैंने टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के प्रकार, अभी हमने कंसेप्शन ऑफ लर्निंग तो पढ़ लिया कि कंसेप्शन ऑफ लर्निंग है क्या, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ऑल ह्यूमन बींग्स यूज ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सभी मनुष्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। दीज वेरी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्न। ठीक है, यानी कि ये संदर्भ और विषय के अनुसार सीखा जा सकता है। यानी कि सभी मनुष्य कई प्रकार के सीखने का उपयोग करते हैं, ये संदर्भ और विषय के अनुसार सीखा जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, देखो हम रोज कोई ना कोई सभी ह्यूमन भी कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं डेली, है ना, अलग अलग तरीके सीखते ही हैं। तो अब कॉन्टेक्स्ट हो गया, यानी कि कॉन्टेक्स्ट है जो कोई सब्जेक्ट है, जो विषय है, कोई संदर्भ है, किस संदर्भ के बारे में हम सीखते हैं, आइए ये देखते हैं। देखिए पहला हो गया सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत। द इंडिविजुअल लर्निंग टू मेक ए प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू ए सिग्नल, यानी कि आप देखिए कि एक संकेत के लिए स्टिक प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी। देखिए सिंपल सी बात है, सिग्नल लर्निंग क्या है, इसमें संकेत से पढ़ा जा सकता है, संकेत से समझा जा सकता है, संकेत से सीखा जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई संकेत मिल गया, कोई सिग्नल मिल गया, है ना, जैसे आप कोई चीज़ किसी को याद कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रही, आपको कोई एकदम से कोई सिग्नल मिल गया, आपको तुरंत वो चीज़ याद हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं सिग्नल लर्निंग। यानी कि वो लर्निंग जिसे संकेत से पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, तो इसे SR लर्निंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि SR लर्निंग किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं सिग्नल लर्निंग को। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, द लर्नर रिक्वायर टू, देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को हिंदी में कहते हैं उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। इनकी द लर्नर रिक्वायर्स ए प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू द डिस्क्रिमिनेटेड स्टिमुलस, यानी कि सीखने वाला भेदभावपूर्ण उत्तेजना के लिए स्टिक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। यानी कि जो देखो इसमें क्या है, वट इज लर्न इज ए कनेक्शन और इन स्किनेरियन टर्म्स ए डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट समटाइम कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। देखिए अब बात करते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है क्या। इसमें क्या होता है कि जैसे जो सीखा जाता है, जिस चीज़ को सीखा जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सीखते हैं वो बिना भेदभाव के पूर्ण के सीखते हैं। यानी कि अगर कोई लर्नर या अगर जो आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आप बिना भेदभाव के उसको सीखोगे, है ना। ये नहीं होगा कि मैं इस राइटर का ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपको पूरी की पूरी जानकारी समझनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बिना भेदभाव पूर्ण इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो
तो उत्तेजना प्रतिक्रिया में क्या है कि आपको इसमें बिना भेदभाव के सब कुछ ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी। नेक्स्ट आ गया चेनिंग। चेनिंग में देखिए, चेनिंग में क्या है, वर्ड्स एक्वायर्ड इज चेन इफ टू और मोर सच लर्निंग हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब बाय फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं चेनिंग है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, चेनिंग किसे कहते हैं। देखिए हमें जब हम जब पढ़ते हैं ना, हम सीधी सी बात जीडीसी एग्जांपल ले लो, पहले हम क्या करेंगे, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे है ना, उसके बाद रिसर्च, फिर आईसीटी। कहने का मतलब ये है कि चेनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो, आपको उसको लाइन वाइज कर रहे हो, चेन बना के कर रहे हो है ना। ये तो है नहीं थोड़ा सा टीचिंग का पढ़ा, थोड़ा सीधे ही हम रिसर्च का पढ़ा, फिर थोड़ा सा इसका पढ़ा, फिर उसका। कहने मतलब ये है कि हम इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं, चेन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं चेनिंग, जो हम चीज़ों को अच्छे से लाइन वाइज करते हैं है ना, जिसमें श्रृंखला बना के चलते हैं। जैसे पहले टीचिंग पढ़ा, फिर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए, फिर रिसर्च किया, फिर वो किया है ना, तो उसे कहते हैं चेनिंग। वर्बल एसोसिएशन, देखे वर्बल का वर्बल एसोसिएशन, यानी कि वर्बल एसोसिएशन द लर्निंग ऑफ द चेन दैट इज़ वर्बल, बेसिकली द कंडीशन रिसेंबल दोज फॉर अदर मोटर चेन, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज इन द ह्यूमन बींग्स मेक्स दिस स्पेशल टाइप ऑफ चेनिंग, बिकॉज इंटरनल लिंक्स मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रीवियसली लर्न रेपट्रेट ऑफ लैंग्वेज। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, वर्बल का मतलब क्या हो गया, मौखिक, यानी कि वो सीखना, वो ऐसी चीज़ जो मौखिक है, यानी कि वर्बल एसोसिएशन क्या है, ये चेन में ही आता है, जिसे मौखिक भी होता है ना। तो आप ये देखिए कि जो हम कुछ, आप देखिए अगर किसी को कुछ समझाना हो, सिंपल सी बात है, किसी को कुछ समझाना हो, जैसे आपके सामने अभी ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप ये लिखा होगा ना आपके सामने, तो आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको कोई बात, जैसे आपको टीचर कोई किसी को समझाएगा, वो वर्बल एसोसिएशन हो गया, यानी कि अपने मौखिक द्वारा वो आपको पढ़ा रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ को कोई समझानी है, तो उसे हमें बोल के समझाना पड़ेगा या लिख के समझाना पड़ेगा है ना। जैसे आप कोई मुहावरा याद करते हो, आप कुछ भी पाठ पढ़ते हो, कुछ भी लेसन याद करते हो, उसमें लिखा हुआ होता है ना, या तो आप उसे सुनते हो या आप उसे देखते हो, तो वह वर्बल एसोसिएशन हो गया। यानी कि भाषा के रूप में जिस चीज़ को लिखा जाता है, उसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि देखिए मनुष्य में, मानव में भाषा की उपस्थिति शुरू से ही है ना। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगर कुछ लिखा ही ना हो यहाँ पे, किस चीज़ पे लिखा ना हो, तो आप कैसे समझोगे, बिना लिखे समझ नहीं आ सकते। अगर कोई आपको टीचर क्लास में आके आपसे कुछ कही ना, तो आप लेसन कैसे पढ़ोगे, वो समझाएगा तभी पढ़ोगे ना। तो सिंपल सी वाले वर्बल एसोसिएशन क्या हो गया कि जब तक किसी चीज़ को बोल कर समझाया ना जाए, तो उसे वो समझ नहीं आता, तो उसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए व्यक्ति के शिक्षार्थी, देखिए द इंडिविजुअल लर्नर टू टेक ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुली विच मे रिसेंबल ईच अदर इन फिजिकली अपीयरेंस टू ग्रेटर और लेसर डिग्री, इट इंक्लूड द फैक्ट विच कैन बी डिस्टिंग्विश ईजली। देखिए सिंपल सी बात है, कहते हैं कि व्यक्ति के शिक्षार्थी कई अलग अलग उत्तेजनाओं के लिए होते हैं, जो शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते या कम डिग्री तक हो सकते हैं। इसमें ऐसे तथ्य शामिल हैं जो आसानी से पहचान जा सकता है। यानी कि सिंपल है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, आप किसी चीज़ को समझते हो है ना, तो जैसे कोई समझते हो किस चीज़ को है ना, अब हर कोई शिक्षार्थी यानी कि हर कोई जो छात्र है, वो अलग अलग चीज़ को अलग अलग रूप से समझता है। चाहे दो शिक्षार्थी है, जो छात्र शारीरिक रूप से दोनों एक समान हो, पर कईयों को चीज़ को याद करने में समय लगता है ना। शारीरिक रूप से हम तो सभी मनुष्य हैं, किसी चीज़ को याद करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कोई तथ्य को जल्दी से समझता है, तो होता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, इनकी कई तरह से सीखना। ठीक है, किसी को जल्दी याद होगा, किसी को नहीं याद होगा जल्दी से। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल लर्निंग, इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ कंसेप्ट, इट एज एसेंशली द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एज प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखिए सिद्धांत, इसमें प्रिंसिपल लर्निंग होगी, इसमें अवधारणाओं की सूची शामिल है, ये अनिवार्य रूप से सीखने की पूर्व स्थिति के रूप में अवधारणा सीखते हैं।
इनकी प्रिंसिपल लर्निंग क्या है, सिद्धांतिक तौर से सीखना, ठीक है, सिद्धांतिक तौर से सीखना। जैसे आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, आप उसका सिद्धांत समझोगे ना पहले कि वो चीज़ है क्या, कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है ना, तो वो हो गया प्रिंसिपल लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग आ गया, द लर्नर एक्वायर्स द एबिलिटी टू मेक कॉमन रिस्पॉन्स टू क्लास ऑफ स्टिमुलेई इवन दो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द क्लास मे डिफर वाइडली फ्रॉम ईच अदर, द लर्नर इज एबल टू मेक ए रिस्पॉन्स दैट आइडेंटिफाइज एन रिटायर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट्स। देखिए सिंपल सी बात है, सीखने की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। पहले आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझोगे, है ना, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, जिनकी सिंपल सी बात है, जैसे आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझा कि है क्या, वो चीज़ होती क्या है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी समझ नहीं पाओगे। जैसे आप टीचिंग के, जैसे आप सिंपल सी बात है पेपर वन के लिए जा रहे हो, पहले आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस के अंदर जो लिखा होगा आप उसको समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आपको चीज़ वो याद होगी। सपोज़ करिए, मान लीजिए कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने कॉन्सेप्ट बिना पढ़े ही उसको कैसे याद कर पाओगे, है ना, अगर उसको आप याद करोगे तभी होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का समझोगे, देखिए सिंपल सी बात ये है कि जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने पूरा पेपर वन पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट को समझा टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। अब आपको पढ़ने के बाद जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब आप पेपर देने जाते हैं UGC नेट का, वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आप उसको क्वेश्चन से आसानी से कर पाते हो। वो कैसे कर पाते हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मैंने किया ही नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या हो गया कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ भी रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ रहे हैं, वो हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप पेपर वन को अच्छी तरह कर लोगे, है ना, पेपर वन को, जैसे आप ये देखो एग्ज़ाम देने गया, आपने कहा कि ये तो क्वेश्चन बाहर से आ गए, बाहर से नहीं आते, होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट को समझते हो। इसमें प्रतिक्रिया होती है स्टूडेंट की, ठीक है, जो वास्तविक घटनाओं को पहचानते हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ भी देख लीजिए आप, कोई किसी भी घटना को याद करिए, किसी भी इंसिडेंट को देखिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, जैसे आपने भारत की आज़ादी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दे तो आप उसमें से पहचान कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो कैसे आपको आया, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ता ही नहीं हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया आपको आएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या हो गया कि किसी चीज़ को सीखने की अवधारणा, उसको अच्छे से समझना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को आगे लाइक और शेयर कीजिए। सो सभी को गुड लक एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर UGC नेट दिसंबर 2019। जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं डेली वीडियो नोट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।